हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि मिश्रा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड? हम तो अच्छे हैं, आप लोग को भी हैप्पी करवा चौथ। चलिए दिखाते हैं आज क्या क्या बनाए हैं करवा चौथ पे चढ़ाने के लिए। चलिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आलू गोभी का मटर डाल के सब्जी बना है, इसमें खीर है, इसमें आलू बैंगन का सब्जी है, इसमें आलू का पराठा है, इसमें कचौड़ियाँ हैं, कचौड़ी है, देखिए कचौड़ी, नमक वाली पूरी, ठीक है फ्रेंड। देखिए कृपा करें, इससे पहले भी सभी दूरी दूर हो जाए। फिर उसने कहा, हे महाभाग्य श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था, तब श्री शंकर जी ने कहा दिया। इसके पश्चात देववती ने अपने भाइयों की पत्नियों और समेत दौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से लगे चित्तमार ओम नमः शिवाय इस मंत्र से लोग उसको अक्षतादी से गौरी जी का पूजन देते। श्री जी गणेश जी तथा खड़ाना का अलग अलग पूजन समर्पण करके अर्घ देने के चंद्रोदय प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मोची होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बंधव प्रबल करने लगे। फिर वीरवती का मुख होकर उनके सेवा करके उसको ढाढ़स बनाने लगे। अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतन होकर एक महान गति पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दूसरी भाई ने गलती से निकाली लेकर चंद्रमा उदय होने का महाया कर लिखा है। चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। श्री कृष्ण जी की कहने लगी। यह द्रौपदी और इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवति ने ध्यान पूर्वक इस व्रत किया। इस प्रकार से करण चतुर्थी का व्रत करने से नारी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेक कर उसके पति को जीवित कर दिया। देवता का समान हो गया। इसके पश्चात वीरवति अपने पति के साथ घर आकर आनंद की वजह से रहने लगी। वीरवति के व्रत के प्रभाव में उसका पति धनबाद अपनी पुत्रता आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न प्रयोग करो। सूर्य जी को सुनकर भूमि ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से दूसरी एक साहूकार थे, इसके साथ बैठे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। इनके कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि मैं आज करवा चौथ का व्रत हूँ, चार महीने पहले खाने। तो भाई ने सोचा कि चार महीने तक बहन भूखे रहेंगे। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरी भाई ने छलने लेटों से ढका नकली चांद दिखा। करवा डालती है पतिव्रता, इसलिए तेरे पति के साथ अभी सी है गाँव में हल्दी की काफी गाँव से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के लिए उसका पति नदी में स्नान करने के लिए स्नान दर्शन मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर मगर के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर के कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधते हुए युवराज के यहाँ पहुँचे। युवराज से बोली, भगवान मगर ने चौथी जान। एक ब्राह्मण परिवार में सात बोलने थी, छह लोगों के मायके वाले बहुत रहने थे। इसी कारण फिलहाल उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वो घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी उसे कुछ पाते रहे। तीज त्यौहार हरे विष्णु विधाता
शुभ गुण मंदिर सुंदर की आरती लक्ष्मी जी की जो कोई Thank you.